जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल उत्पादक देश इंडोनेशिया द्वारा पाम ऑयल एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के बाद भारत पर इसका खासा असर देखने को मिला है। खाद्य तेल महंगा हो गया है क्योंकि भारत में कुल खाद्य तेलों में करीब 60% हिस्सा पामोलिन का है, जिसमें से 55% इंडोनेशिया से आता है। भारत इंडोनेशिया से पाम तेल का बड़ा आयातक है, लेकिन इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि इंडोनेशिया ज्यादा दिन तक इसके एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगा सकता है, क्योंकि हालात ऐसे हैं उसकी इकोनॉमी पर पाम ऑयल के इर्द गिर्द ही घूमती है। इंडोनेशिया सरकार 7 मई को एक्सपोर्ट पर बैन को लेकर मीटिंग करने वाली है। वहीं अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर का कहना है कि ज्यादा दिन तक पाम तेल का निर्यात बंद रहने से इंडोनेशिया की आर्थिक स्थिति पर इसका असर देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया में कच्चे माल को रिफाइन करने के लिए रिफाइनरी की कमी है, रिफाइंड स्टोरेज करने के लिए टैंक की भी कमी है। हर साल देखा जाता है कि रमजान के बाद इंडोनेशिया में उत्पादन में बड़े पैमाने पर वृद्धि होती है। अब ईद खत्म हो गई है, ऐसे में उत्पादन में वृद्धि होगी, इसलिए वो बहुत ज्यादा दिन एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाए रखेगा, ऐसा नामुमकिन लगता है। वहीं ठक्कर का कहना है कि विश्व के मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इंडोनेशिया कम उत्पादन की बात करके महंगा तेल बेचना चाह रहा है। इसे देखते हुए रिफाइंड पाम ऑयल बेचने वाले मलेशिया ने भी भाव में वृद्धि करना शुरू कर दिया है, लेकिन हालात को देखते हुए भारत ने भी कहा है कि हमारे पास खाद्य तेलों का पर्याप्त भंडार है। खाद्य तेलों का वर्तमान स्टॉक लगभग 21 लाख टन का है और इसी महीने करीब 12 लाख टन आने वाला है। साथ ही ठक्कर ने कहा कि इंडोनेशिया हम चीनी और गेहूं देते हैं, वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए बहुत लंबे समय तक पाम ऑयल के निर्यात को बैन रखना उनके लिए ठीक नहीं होगा। साथ ही इंडोनेशिया ने पहली बार पाम तेल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है, उसने इसके लिए 22 अप्रैल को घोषणा की थी जबकि 28 को लागू भी कर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पहले से ही भारत में सूरजमुखी तेल का आना काफी कम हो गया है। वहीं अर्जेंटीना में सोयाबीन उत्पादन में भी कमी का अनुमान है। अब इंडोनेशिया ने पाम ऑयल पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए भारत में खाद्य तेल महंगे हो रहे हैं। हालांकि भारत में सरसों की फसल आ गई है, रिकॉर्ड उत्पादन भी हुआ है, इसलिए इंडोनेशिया के फैसले का असर कम होने का अनुमान है। साथ ही केंद्र सरकार राइस ब्रान ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी 48% से घटाकर 5-7% करने पर विचार कर रही है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।